अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द वन अनदर फ्रेश व्लॉग। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग फाइन एंड वी आर आल्सो फाइन। वो करने जा रहे हैं आज की व्लॉग की शुरुआत सीधे अपने घर से। तो बहुत टाइम बाद आज हम करने जा रहे हैं व्लॉग, मतलब कम ही व्लॉग्स आ रहे हैं आजकल, वो आपको बताइए। एग्जाम्स भी चल रहे हैं यहाँ से, तो कल हमारे जो है 3 पेपर्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गए, अब 2 ही पेपर्स बचे हैं, तो वो दो करके फिर इंशाल्लाह जो है तगड़े व्लॉग्स आएंगे। प्लान जो है बन गया हमारा, बहुत सारी जगह जाना है, एक्सप्लोर करना है, तो वो आपसे करेंगे उसी टाइम शेयर। फिलहाल के लिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने घर से। हमने जो कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी राइडिंग के लिए, जैकेट वगैरह, राइडिंग गियर्स, तो वो डिलीवर हो गए, तो आपसे शेयर करेंगे पहले। बाकी जो चैनल पे नया जुड़ रहा है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर, और बाकी जो है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लो। अराउंड 850 सब्सक्राइबर्स हमारे जो है कंप्लीट हो गए, तो आप 150 सब्सक्राइबर बचे तो 1K कर लो, फिर तगड़ी सी जो है सेलिब्रेशन करेंगे और पार्टी भी करेंगे 1K पे। तो फिलहाल हम दिखाएंगे आपको वो सारी चीज़ें जो हमने ऑर्डर करी थी और वो डिलीवर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले वो करेंगे अनबॉक्स आपके सामने, आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे मैं अनबॉक्स नहीं करता हूँ, पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से जो है शेयर करता हूँ हर कोई चीज़ जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से पहले शेयर करता हूँ। तो करते हैं आपके सामने अनबॉक्स, करते जी पहले अनबॉक्स इस वाले। देखो जी, इसमें जो है राइडिंग गियर्स है हमारे, तो पहले इनको अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि पहले जो है प्रोटेक्शन करनी होती है खुद की, मतलब कि सेफ्टी फर्स्ट। हमने जो है राइडिंग गियर्स ऑर्डर करी इसलिए थोड़ा बचाए, कभी जो है बाइक से गिर भी जाते, क्रैश भी होती है बाइक, तो उसके लिए जो है राइडिंग गियर्स हमने ऑर्डर कर लिए। तो पहले हम यही अनबॉक्स करते हैं। फाइनली अनबॉक्स हो गया, देखो जी ये रहे राइडिंग गियर्स हमारे, तो पहले इनको भी निकालते हैं इससे बाहर। ये देखो जी कितने तगड़े लग रहे हैं, ये देखो नीज और एल्बोज के लिए जो है बराबर 4 पीस से, नीज के लिए अलग और एल्बोज के लिए अलग हमने जो है मंगाए 4 पीस बराबर। तो ये हाँ जी, हमने जो है सोचा कि मतलब खुदा बचाए अगर कभी क्रैश हुआ, ज़्यादा डैमेज जो है एल्बोज को होता है, तो हमने उसी के लिए जो है मंगाए थे। तो फिलहाल ये अनबॉक्स हो गए, आप दिखाएंगे आपको और एक तगड़ी चीज़। ये देखो जी और एक चीज़ जो है ये जैकेट है राइडिंग के लिए, ये चेक मारो, अपना नाम डलवा के हमने रेडी कर दिया इसको। ये चेक मारो जी कैसा लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसलिए हमने लिया क्योंकि फ़ोन वोन जो है इसमें रहेगा, और यहाँ से और एक पॉकेट है यहाँ से भी, और पीछे से नाम कैसा लग रहा है अपना ये भी बोलना ज़रूरी है, और अंदर से गर्म भी है, मतलब कि सर्दी भी होती है बाइक पर जो ऑलरेडी लगती है सर्दी, तो ये हमने मंगाया। तो जैसा कि आपने देखा कि 2 चीज़ें जो हमारी डिलीवर हो गई थी, जो हमने ऑर्डर करी थी पहले हमने करी थी वो राइडिंग गियर्स ऑर्डर, उसके बाद जो जैकेट लाया हमने, तो हमने आपके सामने जो अनबॉक्स करी दोनों चीज़ें, दिखाई आपको हमने वो 2 चीज़ें। तो पहले हम जैकेट वगैरह पहन लेंगे, दिखाएंगे आपको अपना फाइनल लुक, सो वेट फॉर फाइनल लुक 3, 2, 1। ये चेक करो जी गाइस, फाइनली जो हमने अपना राइडिंग जैकेट जो है पहन लिया, तो बाकी हम आपसे शेयर करेंगे बाद में, पहले हम जाएंगे एक मस्त सी राइड पे, तो कैसा लग रहा है वो आपको यहीं पे फुल दिखाएंगे। फिलहाल जो यहाँ पे मैं हाफ ही दिखा रहा हूँ, बाकी जो है बहुत ही तगड़ा, उतना तगड़ा नहीं दिख रहा था पहले, लेकिन अब जो है बहुत तगड़ा दिख रहा है, मतलब कि मैंने इसमें कुछ काम करवाया, वो आपने देखा नाम वगैरह, उससे जो है पीछे से बहुत ही लुक बढ़िया दे रहा है, तो वो आपको दिखाएंगे आगे कहीं पर रुक के। पहले हम जाएंगे एक मस्त सी राइड पर, क्योंकि आपको पता ही है कि वेदर ना ख़राब ही था कश्मीर में पिछले 5-8 दिन से, मतलब जब हमने लास्ट राइड जो है लगाई थी हर्बल, उस टाइम भी जो है बारिश हो रही थी, उस टाइम भी वेदर खराब ही था, फिर भी हमने जो है राइड अपनी कंप्लीट करी उस दिन। लेकिन आज हम जाएंगे 5-6 दिन बाद जो है राइड पे, इसका मुझे ये और लगा थोड़ा सा, बाकी बढ़िया है। तो आज हम जाएंगे राइड पर, वेदर जो है आज ठीक हो, थोड़ी सी धूप निकली है आज, मैं दिखाऊँगा आपको। तो निकलेंगे सीधे अपना सेटअप वगैरह लेके, सीधे नीचे जाएंगे बाइक के पास, कोल्ड शॉवर रख के सीधे निकलेंगे, दिखाएंगे आपको आगे। ये चेक करो जी, पूरे बादल छाए हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी धूप जो है निकली आज, ये देखो बाकी बादल हर साइड से तो निकलते हैं जी। सीधे घर से पहले मिलते हैं आप सीधे आगे, घर से हम सीधे आ गए ऐसी लोकेशन पे, ये रही अपनी बाइक साथ। तो फिलहाल हमने सोचा कि जाएंगे मार्केट एक मस्त सी राइड पे, असली ये वीडियो जो है मैंने जो है इसके लिए बनाया था, मतलब कि वो एक तो राइडिंग जैकेट के लिए और राइडिंग गियर्स हमने लिए थे। इस टाइम जो हमने खाली राइडिंग जैकेट पहना है, राइडिंग गियर जो हमने नहीं पहने इस टाइम, क्योंकि छोटी सी राइड लगानी थी, तो वो दूर दूर जब जाएंगे राइड इसके लिए तो उस टाइम जो पहना करेंगे। बाइक जो है हमने हर्बल से आके वॉश करी थी, क्योंकि बाइक की हालत जो है पूरी बिगड़ गई थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये चेक करो जी आप, पहले बाइक बिल्कुल वॉश करके बाइक एकदम मस्त। तो फिलहाल करते हैं हम स्टार्ट एक मस्त सी राइड मार्केट में, फिर देखते हैं क्या कुछ सीन रहता है, वो आपसे शेयर करेंगे आगे। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब जैकेट पीछे से कैसा लग रहा है, नाम बढ़िया है पीछे से, उसे जो है बहुत ही तगड़ा लग रहा है। तो फिलहाल दिखाते हैं आपको, फिर निकलते हैं सीधे, मिलते हैं आपसे सीधे मोटर ब्लॉग के सेटअप में, पहले दिखाएंगे आपको जैकेट।
देखो जी, फिलहाल जो हम रेडी हो गए निकलने के लिए, फिलहाल हम निकलेंगे इस लोकेशन से, वापस जाएंगे एक मार्केट राइड के लिए, तो वो आपसे शेयर करेंगे रास्ते में। बाकी आपने देखा ही होगा, मतलब कि जैकेट का पीछे से लुक कितना तगड़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप कमेंट्स में बताना कि कैसा लग रहा है। बाकी अभी जो हमने राइडिंग गियर्स मतलब नहीं पहने हैं, वो भी दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब हम जो बी बाइक के साथ राइड पे जाएंगे। आज ही हम जाते हैं, मतलब कि मैंने सोचा आज बारिश होगी वहाँ से, मैंने उसको इसलिए कॉल नहीं की क्योंकि उसने जो है कॉल पर बोला कि मैं आपको इसी कॉल करूँगा जब भी हम मतलब राइड डन करेंगे, तो मैंने जो वेट करा उसका, वो वहीं से भाई कॉल करेगा। फिलहाल हम निकले एक मस्त सी राइड के लिए, बाकी आप व्लॉग में बनती रहिए। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा है जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सबकी ज़रूरत है 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए, 1K कंप्लीट कर दो, फिर इंशाल्लाह हम तूफान मचा देंगे। बाकी कैसे मतलब कि ओपी भाई ने जो है परसों कॉल पे मुझे बोला कैमरा की ऐसी सेटिंग करो, आपकी जो है थोड़ी सी वाइड में दिक्कत आ रही है, मैंने जो है कैमरा को उसी टाइम सेटिंग कर ली। ये देखो ये तो ये भाई था अपना वहाँ पे, तो ये देखो जी फिलहाल हम निकले एक मस्ती से राइड के लिए। मैंने जो है उस टाइम ओपी भाई ने जो है उसी टाइम मेरे को बोला कि मतलब कॉल करके वाइड पे थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि मेरी जो है वाइड प्रॉब्लम थी कैमरा में। फिर उसने कुछ सेटिंग्स बता ली जिससे कि मतलब मैंने अपने कैमरा को जो है वाइड एंगल पे रखा। आप कमेंट्स में बताना कि पिछले से बेटर है अब कैमरा की नहीं, मतलब कि मैं जब व्लॉग्स डालता था तो यहाँ से वाइजर से ऊपर आता था, बाकी रोड का कुछ व्यू नहीं आता था। आज इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि आया होगा, मैंने भी खुद भी नहीं देखा लेकिन आया होगा मैं उम्मीद करूँगा, क्योंकि मैंने जो वाइड पे रखा और बाकी व्यू भी आ रहा हो। ये चक्करों जी बादल है हर साइड से, ऊपर से जो है थोड़ी सी हल्की हल्की धूप भी है। निकलते हैं जी यहाँ से सीधे एक छोटी सी मार्केट राइड के लिए। मार्केट में कितना ट्रैफिक है इस टाइम, ये देखो भाई, पता नहीं आजकल क्यों ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो उतना पता नहीं। फिलहाल हम जाते हैं सीधे मार्केट की ओर, ना से जो हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, हर जगह जाएंगे, कश्मीर में जो भी अच्छी अच्छी जगह है वहाँ जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे। आज मैंने एसी जो है बहुत टाइम बाद निकाली थी बाइक, मैंने सोचा एक मस्त सी और छोटी सी राइड लगाते हैं। छोटी सी राइड लगानी थी वो जो है डन हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे घर बैठने में मतलब कि सुकून ही नहीं मिल रहा था जब तक मैं बाइक पे थोड़ी सी राइड ना लगाऊं, तो उसी के लिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी राइड लगाता हूं मैं, देखते हैं क्या कुछ सीन रहता है। अलहमदिल्ला जो है अच्छा ही सीन रहा, कोई गंदा सीन नहीं हुआ आज। तो फिलहाल निकलते हैं यहां से सीधे, करवाते हैं पहले फ्यूल अप। तो देखो जी गाइस, पहले जो हम फ्यूल अप करवाएंगे यहां से, निकलते हैं यहां से सीधे, मिलते हैं आपसे सीधे आगे। बार बार मैं बोलूँगा कि 1K के लिए जो है सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस चैनल पे नया जुड़ रहा है, मतलब कि जो ब्लॉग देख रहा है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, आपके एक सब्सक्राइब करने से मतलब कि आपको कुछ कम नहीं होगा लेकिन मुझे जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ सकता है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो हर एक बंदा, सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब करा है उनका दिल से शुक्रिया। है ना आरिस, आगे आगे स्कूल बस में, ये देखो उसके सारे फ्रेंड्स हैं वहीं पे, तो मैं इसी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। बाकी व्लॉग में बनते रहिए। तो देखो जी मैं यहाँ पे रुका, हारिस ने बोला वेट करने को, वो स्कूल बस में था पीछे, उसने बोला कुछ वेट करो, तो फिलहाल हम करते हैं उसी का वेट यहाँ पे, देखते हैं फिर क्या सीन रहता है। ये देखो जी हारिस ने मैसेज भी करी है, मतलब कि स्कूल बस गई आगे, उसको आगे ही छोड़ेंगे इसलिए क्योंकि उसको जो है रुकना पड़ता है बीच बीच में, मतलब कई जगहों पे उसको बच्चे छोड़ने पड़ते हैं तो उसकी वजह से उसको रुकना पड़ता है। तो मैंने जो है सोचा कि मैं पीछे ही चलूँगा क्योंकि उतरने के टाइम वो उतरेगा नानियाल में, तो उससे फिर मिलेंगे वहीं पे, उसको छोड़ेंगे आगे, फिलहाल हम चलेंगे आहिस्ता ही। तो मिलते हैं आपसे सीधे वहीं पर जहाँ पर आरिस उतरेगा, उसी से मिलवाएंगे आपको सीधे। अब हम आ गए सीधे आरिस के नानियाल, तो यहाँ से हम चाय वगैरह पी के निकलेंगे सीधे, मिलेंगे आपको, इसको भी घर लेंगे साथ, मिलेंगे आपसे सीधे आगे। उठा तो देखो जी गाइस, फिलहाल जो है वहाँ से निकले रहे सीधे, तो अब हम आ गए घर की ओर। तो राइड में जो है अच्छा खासा मजा आया, छोटी सी राइड थी लेकिन हमने जो है एंजॉय किया फुल पावर। जो हम सीधे आ गए ऐसी लोकेशन में, हमने सोचा कुछ रील्स वगैरह जो यहाँ पे शूट करेंगे क्योंकि ऐसे घर नहीं जा सकते, रील्स भी जरूरी है, शॉर्ट्स वगैरह डालने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम आ गए यहाँ पे अपनी लोकेशन पे, यहाँ पे मैं रील्स वगैरह शूट करता हूँ, तो करते हैं यहाँ से रील्स वगैरह शूट, एक दो शॉर्ट्स में भी डालते हैं। तो मिलते हैं फिर सीधे आपसे रील्स शूट करने के बाद। सो ऑल वेल गाइस, फाइनली जो है आ गए घर, आप देख सकते हो
वहाँ से जो है राइड वगैरह करके हम आए। लास्ट में जो हमने सोचा कि रील्स वगैरह कुछ शूट करेंगे, तो उसके लिए भी हम गए, रील्स वगैरह हमने जो है शूट करी। तो अब हम आ गए सीधे घर। तो करते हैं अपनी इस वाली ब्लॉग को यही पेंट। और आपको ब्लॉग पसंद आए, ब्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी अच्छे नए और प्यारे ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ, वर्क हार्ड, गुड बाय।